जब आप एज इट इज़ प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ को देखने लगेंगे, उसी मोमेंट में आपको एनलाइटनमेंट मिल सकती है। जब आप चीज़ों को नाम नहीं देंगे, आपकी जो कंडीशनिंग है माइंड की, वो आपको पर्दे में रखती है। उस कंडीशनिंग को जब आप हटा देते हैं और चीज़ों को एज इट इज़ देखने लगते हैं, लोगों को एज इट इज़ देखने लगते हैं, तो आपको हर चीज़ क्लियरली दिखता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्पिरिचुअल टीचर्स की या स्पिरिचुअल गुरुज़ की। ये वो गुरु हैं जिनको मैंने पढ़ के अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी हेल्प पाई है, और मेरे जर्नी के दौरान इनके जो भी बुक्स हैं, जो भी मैंने पढ़े हैं और इनके जो भी वीडियोस मैंने देखे हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं नंबर 10 से यहाँ पे शुरू करूँगा, लेकिन इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने नंबर 10 पे जिस गुरु को रखा है आपके हिसाब से भी वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मैंने जिनको नंबर 10 पे रखा है आपके हिसाब से वो नंबर 1 पे हो। तो कोई भी, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में मैंने कुछ मिस किया है, किसी गुरु को अगर मिस किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके किताबों को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा। नंबर 10 पे मैंने रखा है सदगुरु जग्गी वासुदेव को। सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इनफैक्ट जब मैंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी, तो शुरुआती दौर में ही मैंने इनकी कुछ किताबें पढ़ी थी, और जो सबसे पहली किताब मैंने इनकी पढ़ी थी वो थी इनकाउंटर द एनलाइटेंड। इस किताब में मैंने जग्गी वासुदेव के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज भी यहाँ से मैंने गैदर की। और इसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे डेथ, फ्लावर्स ऑन द पाथ। तो ये सारी किताबें बहुत खूबसूरत हैं, और आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअलिटी आखिर क्या है और इस रास्ते को कैसे परसू करना चाहिए। जग्गी वासुदेव के बहुत सारे आश्रम्स हैं, लेकिन जो मेन आश्रम है मेरे ख्याल से वो ईशा फाउंडेशन है, जो कि साउथ इंडिया में है। मैं वहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो लोग उनके आश्रम में गए हैं, मैंने उनसे सुना है कि वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और लेकिन जो भी वहाँ पे जाता है वहाँ पे बहुत ही एक काम और सीरीन फीलिंग है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके बहुत ही शांति महसूस होती है लोगों को। बस एक ड्रॉबैक ये है कि ये इनके जो डिस्कोर्स होते हैं या फिर इनकी जो भी सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे अगर एक आम इंसान जाना चाहे जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो वो शायद ना जा पाए। क्योंकि मैं 2017 में इनके एक सेमिनार में गया था जब ये कोलकाता में आए थे, तो उस सेमिनार में जाने के लिए हमें 500 रुपीज़ का टिकट ख़रीदना पड़ा। मैंने 500 का ख़रीदा था, और मेरी जो वाइफ है उनके लिए मैंने 500 का टिकट, तो हम दोनों को 1000 रुपीज़ लगे थे। और अगर आप उनके रिट्रीट में जाना चाहें कुछ दिनों के लिए, तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो गुरु है वो अमीरों के गुरु है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप शायद अफोर्ड ना कर पाएं। आप इनके किताबों को ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। नंबर 9 पे मैंने ओशो को रखा है। अगर आप ओशो को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो बहुत सारी रूढ़ियाँ जो आपके दिमाग में बनी हुई हैं, वो सारी रूढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं वो आपको एक रिबिलियन वाली फीलिंग पैदा कर देते हैं आपके अंदर। जब आप उनको सुनते हैं, तो फिर आपके अंदर भी एक ऐसा भाव आता है कि ये जो सोसाइटी है, ये जो दुनिया है, वो शायद सारी की सारी आपके अगेंस्ट में ही है, और लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं। तो हो सकता है कि ऐसी आपको फीलिंग आए ओशो को पढ़ने से, लेकिन अगर आप ओपन माइंड से पढ़ेंगे, कुछ ऐसी किताबें हैं ओशो की अगर आप पढ़ते हैं, जैसे कि संभोग से समाधि की ओर, इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि पहली किताब मैंने वही पढ़ी थी ओशो की, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी वो किताब, और जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे ओशो के बारे में समझ में आया। इसके पहले मैंने ओशो के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, जिसका नाम वाइल्ड वाइल्ड कंट्री है। तो वहाँ पे जो पोर्ट्रेयल किया गया है ओशो का, एक बहुत ही नेगेटिव पोर्ट्रेयल कर दिया गया है, तो वो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ इनके साथ। जिस प्रकार के वो फिलोसोफर थे, अगर मैं फिलोसोफर्स की कैटेगरी में देखूं, तो वो सदी के सबसे महान फिलोसोफर्स में से होंगे। मुझसे अगर कोई पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर कौन है, तो मैं कहूंगा कि वो ओशो रजनीश ही हैं। लेकिन एक गुरु के हिसाब से अगर आप देखें, तो गुरु भी वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कुछ
तरीके थे मेडिटेशन के जो ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, जैसे कि डायनामिक मेडिटेशन और कथारसिस। तो इस प्रकार की जो मेडिटेशन थी वो सबको समझ में आती नहीं थी। अगर आप दूर से देखेंगे उनके आश्रम की दशा तो आपको लगेगा कि लोग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं। जब उन्होंने रजनीशपुरम की स्थापना की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, लोग किसी भी प्रकार से रहते थे, कैसे भी रहते थे, किसी को कोई रोक टोक नहीं था, कोई भी किसी के साथ भी रह सकता था। तो इस प्रकार की एटमॉस्फेयर एक था वहाँ पे। क्योंकि ओशो वहाँ पे मौन हो गए थे तो उनके मौन होने का फ़ायदा भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे उठाया। जो भी लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में थे उन लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई जिनके वजह से वो आश्रम वहाँ पे बंद हो गया। वो जो पूरी सिटी वहाँ पे बसाई गई थी वो बंद हो गई और ओशो को डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता ओशो की इसमें कोई गलती थी। गलती बस एक ही थी कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो शायद भरोसा करने लायक थे नहीं। ओशो की किताबों को आप ज़रूर पढ़िए, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ आपको इनिशियल स्टेज में हेल्प मिलेगी। अगर आप एक हाइटेंड स्टेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अनुभव करना चाहते हैं, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उतने ऊपर तक शायद आपको हेल्प ना मिले, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं ओशो। नंबर 8 पे मैंने रखा है योगानंद को, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब लिखी है। उस किताब के बारे में भी मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। योगानंद एक ऐसे गुरु थे जो कि स्पिरिचुअलिटी को क्रिया योगा के माध्यम से आगे लेके जा रहे थे और सबको वो क्रिया योगा सिखाते थे। उनकी एक लीनियज है जो कि आके योगानंद तक रुक गई है। योगानंद के गुरु युक्तेश्वर गिरी थे, युक्तेश्वर गिरी के गुरु थे लाहिरी महाशय, और लाहिरी महाशय के जो गुरु थे कहा जाता है कि वो महाअवतार बाबा जी थे। योगानंद के बाद और किसी को इस लीनियज में शामिल नहीं किया गया। हालांकि अभी भी योगानंद ने जो YSS योगोदा सत्संग सोसाइटी की स्थापना की थी उसमें बहुत सारे गुरु हैं जो क्रिया योगा सिखाते हैं, क्रिया योगा की दीक्षा देते हैं। जब आप YSS को ज्वाइन करेंगे, योगोदा सत्संग सोसाइटी को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक 18 लेसन्स की किताबें दी जाएंगी। 18 लेसन्स है उसमें, जिसमें क्रिया योगा की जो बेसिक टीचिंग्स है वो बताई गई है। वो जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको दीक्षा मिलती है क्रिया योगा की। ब्रेथ के थ्रू आप अपने प्राणों पे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर आप हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं इसके द्वारा। तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो किताब है, आप ज़रूर उस किताब को पढ़ें, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे वहाँ से। और फिर अगर आप चाहें तो YSS ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। ये बहुत ही एक अच्छी संस्था है, और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं भी हैं तो भी आप इजीली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग फ़ीस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, एक स्टूडेंट भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और ये इंडिया में हर शहर में है, तो आपके नज़दीकी लोकेशन में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने इस नंबर 7 पे रखा है ओम स्वामी को। ओम स्वामी एक बहुत ही कह सकते हैं कि नए स्पिरिचुअल टीचर है या गुरु है, और हाल ही में मैंने इन्हें डिस्कवर किया। मैंने इनकी अभी तक कोई भी किताबें नहीं पढ़ी है, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं तंत्र के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और इनके बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं जब इनके वीडियोस देख रहा था, तो मुझे पता चला कि 7 साल के उम्र से इनके अंदर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थी। लेकिन पहले इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी इन्होंने स्टार्ट की। उस सॉफ्टवेयर कंपनी को इन्होंने सारी दुनिया भर में फैलाया, और ठीक 10 साल बाद जब इन्होंने अपनी जो मटेरियल लाइफ की जर्नी है उसमें जब इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, एक मिलियनेयर बन गए, उसके बाद इन्होंने अचानक ही एक दिन एक इंसान को ये सारी चीज़ें सौंप दी और फिर वो वहाँ से काशी चले गए और वहाँ से उनकी स्पिरिचुअल यात्रा उन्होंने स्टार्ट की। इतना सब कुछ कमाने के बाद, करने के बाद, उन्होंने वो सारी चीज़ें रिनाउंस कर दी, त्याग दिया, और फिर काशी जाके एक सन्यासी बन गए। वहीं पर हिमालय के फोटहिल्स में इनका एक आश्रम है, बद्रिका आश्रम, जहाँ पर वो रहते हैं। और एक ही आश्रम है वहाँ पे वो अपने डिस्कोर्स देते हैं। उनका एक वेबसाइट भी है, और आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे ओम स्वामी को सर्च करेंगे तो उनके डिस्कोर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उनके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से स्पिरिचुअलिटी को ओम स्वामी समझाते हैं, और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सिद्धियों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, मंत्रों के बारे में, मेडिटेशन के बारे में,
बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है ओम स्वामी को। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे और सिद्ध गुरु हैं, अगर आप चाहें तो इनके आश्रम में जा सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने रखा है एकहट टोल को। एकहट टोल स्पेशल इसलिए है मेरे लिए क्योंकि जो पहली स्पिरिचुअल किताब मैंने पढ़ी थी वो थी पावर ऑफ नाउ, और ये एक ऐसी किताब है जब कोई भी व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान भी जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो अगर इस किताब को पढ़ता है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो मैं बयान नहीं कर सकता, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। क्योंकि एकहट टोल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था, वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। 29 साल के उम्र तक उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा दुख था। लेकिन उस फेज़ में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें समझ में आया कि ये जो भी सफरिंग है, ये जो भी मिजरी है उनके लाइफ में, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, और हम सभी के साथ एक्चुअली ऐसा ही है। हम अगर देखें हमारी जो सफरिंग है, 99% जो सफरिंग है वो मेंटल सफरिंग है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिजिकल सफरिंग तो है ही जीवन में, तो फिजिकल सफरिंग जो है उससे तो हम डील कर सकते हैं, दवाई खा सकते हैं, फिटनेस पे ध्यान देंगे तो फिजिकल सफरिंग ठीक हो सकती है। लेकिन जो मेंटल सफरिंग है वो ऐसे ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा इल्यूजन मात्र है। तो एकहट टोल कहते हैं कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख ले, पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स को अगर हम इग्नोर कर दें, हालांकि ये थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन इसकी प्रैक्टिस उन्होंने बताई है कि कैसे करना है पावर ऑफ नाउ में, अगर हम ये सीख जाएं तो हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और मेरी लाइफ भी कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ने के बाद चेंज हुई थी, और एक अलग ही दिशा मिली मुझे। जब मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा तो मुझे समझ में आया कि लाइफ में इतनी भी ज़्यादा तकलीफें नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। एकहट टोल जो है वो बहुत ही काम, उनके वीडियोस जब आप देखेंगे तो बहुत ही शांति की अनुभूति होगी आपको, और आपको समझ में आएगा कि ये जो व्यक्ति है वो सच में प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, और उनके जीवन में, उनके दिमाग में इतनी क्लैरिटी है और उनके वॉइस में इतनी शांति है कि वो आप देख सकते हैं, वो वीडियो में भी आप उनके ऑरा को फील कर सकते हैं। नंबर 5 पे मैंने रखा है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को मैंने नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद तब एक स्पिरिचुअल गुरु बन के उभरे पूरे दुनिया के लिए जब भारत खुद स्ट्रगल कर रहा था, भारत खुद गुलामी में जी रहा था, और उस दौर में किसी व्यक्ति का विदेश जाके एक ऐसा भाषण देना जो कि भारत को विश्व गुरु के रूप में दर्शाए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जब आप उनके उस शिकागो वाले लेक्चर को सुनेंगे तो उनकी जो वॉइस है, वो विजुअल्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जब वो वॉइस सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेशल बात तो है। विवेकानंद का जो माइंड था एक इनलाइटेंड माइंड था, वो एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट में रहते थे हमेशा। हालांकि हम जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं तो हमारी कुछ कल्पनाएं होती हैं कि जब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे तो हमें बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी, हम फ्यूचर देख सकते हैं, हम लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं। ये कुछ हद तक सच है लेकिन ये उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से आप सोचते हैं। अगर ऐसा होता तो हर इनलाइटेंड व्यक्ति सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिद्धियाँ मिलती हैं लेकिन वो सिद्धियाँ पूरी तरीके से इंट्यूशन पे डिपेंड करती है। आपकी इंट्यूशन और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है तो आपको अनुभूति हो जाती है चीज़ों के बारे में, लेकिन वो आप किसी से व्यक्त नहीं करते। तो उस प्रकार से व्यक्ति इनलाइटेंड होता है, और विवेकानंद कुछ उसी प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने वेदांत के ऊपर बहुत सारी किताबों को लिखा है। मैं एक किताब हाल ही में पढ़ रहा हूँ जो कि पतंजलि योग सूत्र पे है। विवेकानंद ने योग सूत्रों को एक्सप्लेन किया है, तो अभी फ़िलहाल मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है विवेकानंद ने। उनकी जो लिटरेचर है, इतनी सारी लिटरेचर दे के गए हैं वो, कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस प्रकार के गुरु हैं। तो इस दुनिया में ना होते हुए भी विवेकानंद जैसे गुरु, योगानंद जैसे गुरु आपको अपने लिटरेचर के थ्रू बहुत कुछ दे के जाते हैं जिनसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो विवेकानंद को ज़रूर पढ़िए अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करना है। नंबर 4 पे रखा है मैंने जड्डू कृष्णमूर्ति को। कृष्णमूर्ति एक ऐसे सोल हैं जिसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने चुना और बोला कि हम इस बच्चे को वर्ल्ड टीचर बनाएंगे।
लेकिन जब कृष्ण मूर्ति को इनलाइटनमेंट का आभास हुआ तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी अथॉरिटी के पोजीशन पे रहना ही नहीं चाहते। हालांकि अपने आप ही में वो एक वर्ल्ड टीचर अभी भी हैं, उनकी जो टीचिंग्स है वो बहुत सारी किताबों में हैं। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो थी फ्रीडम फ्रॉम द नोन, थिंक ऑन दीज थिंग्स, ये जो सारी किताबें हैं वो मैंने पढ़ी हैं, उनकी बायोग्राफी भी मैंने पढ़ी है। कृष्णमूर्ति आपको बताते हैं कि आप अवेयर रहें, आप अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एकहर्ट टोल बताते हैं। कृष्णमूर्ति आपके इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताते हैं कि आपके अंदर कितनी हाइटेंड इंटेलिजेंस है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते। जब आप अवेयर रहना सीख जाएंगे और चीज़ों को एज इट इज़ देखने को कहते हैं कृष्णमूर्ति, आप चीज़ों को कोई नाम न दें। अगर आप किसी वृक्ष को देख रहे हैं तो आप बस उसे देखें और आप देखें कि वो किस प्रकार से है। जब आप एज इट इज़ प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ को देखने लगेंगे उसी मोमेंट में आपको इनलाइटनमेंट मिल सकती है। जब आप चीज़ों को नाम नहीं देंगे, आपकी जो कंडीशनिंग है माइंड की वो आपको पर्दे में रखती है। उस कंडीशनिंग को जब आप हटा देते हैं और चीज़ों को एज इट इज़ देखने लगते हैं, लोगों को एज इट इज़ देखने लगते हैं, तो आपको हर चीज़ क्लियरली दिखता है। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आप वो भी देख पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए और आपकी जो कंडीशनिंग हो रखी है माइंड की वो कंडीशनिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अवेयरनेस की प्रैक्टिस। और कृष्णमूर्ति से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इनके बहुत सारे आश्रम हैं पूरे इंडिया में हैं, आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत शांति महसूस होगी और लोग, आप जो भी वहाँ पे अगर आप बैठे रहेंगे तो लोग वहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किताब उठा के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। नंबर 3 पे मैंने रखा है रमण महर्षि को। रमण महर्षि को इसलिए मैंने नंबर 3 पे रखा है क्योंकि ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने किसी भी स्क्रिप्चर को कभी पढ़ा ही नहीं। 15-16 साल की उम्र में इन्हें इनलाइटनमेंट की अनुभूति हुई और ये अपना घर छोड़ के चले गए। इन्होंने जाके एक साउथ इंडिया में कोई एक पहाड़ है, मेरे ख्याल से वो जो पहाड़ है उसका नाम अरुणाचल है, जो कि तिरुवन्नमलाई में है, तो वहाँ पर वो चले गए क्योंकि उन्हें एक इनसाइट मिली थी कि उन्हें वहाँ पर जाना है और वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे वो रहने लगे थे और वहीं पे उनका आश्रम बन गया। वहीं पे वो अपने डिस्कोर्स देते थे, अपने लेक्चर्स देते थे, लोग उनसे आते थे, सवाल पूछते थे और वो सिर्फ एक ही बात लोगों को कहते थे कि आप खुद से पूछिए कि आप कौन हैं, अपने आप से ये सवाल करिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और इस सवाल के साथ आप बैठिए, आप घंटों घंटों तक इस पर मेडिटेट करिए, तब जाके शायद आपको समझ में आ जाए कि आप जो हैं वो आप नहीं हैं, आप कुछ और ही हैं। और जब इस सवाल के तह तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आएगा अद्वैत वेदांत के बारे में, अद्वैत वेदांत क्या कहता है। और कहीं ना कहीं उसी फिलॉसफी को रमण महर्षि भी बताते थे सभी को। उनकी टीचिंग्स किसी भी स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड नहीं थी, वो किसी रिचुअल्स में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो बस ये कहते थे कि आप अपने ईगो, अपने आई को समझिए, अपने सेल्फ को समझिए। जब आप अपने ईगो को डिसॉल्व कर देंगे तब आपको अपने सेल्फ का पता चलेगा और तब आप देख पाएंगे कि जो सेल्फ आप हैं वही सेल्फ सभी के अंदर है। और यही अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है जो रमण महर्षि बताना चाहते थे सभी को। आज भी अगर आप उनके आश्रम में जाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वहाँ पे आपको फील होगी। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग उनसे जाते थे, सवाल पूछते थे और रमण महर्षि बस उन्हें देखते थे और इस प्रकार से वो कम्युनिकेशन होता था, एक तरह की टेलीपैथी आप कह लीजिए। बिना कुछ कहे उस व्यक्ति को सब कुछ समझ में आता था रमण महर्षि की आंखों में देख, और ये एक तरह का बहुत ही मिरेक्युलस इवेंट होता था मेरे ख्याल से। एक व्यक्ति जो कि जिसे सब कुछ पता है वो जब आपको एक ऐसी नज़र से देख भी ले और कुछ ऐसी एनर्जी चैनलाइज कर दे आपके अंदर, तो उस एनर्जी की जो अनुभूति है वो आपको हो जाती है और वहाँ पे आपको अपने सवालों के जवाब भी मिलते हैं। रमण महर्षि के जो शिष्य थे उन्हें भी एनलाइटनमेंट मिली थी, उनके बहुत सारे शिष्य हैं देश विदेश में और उनके आश्रम में वो लोग आते रहते हैं आज भी। नंबर 2 पे मैंने रखा है जो कि मेरे फेवरेट है, वो है पीजे सहर। पीजे सहर को के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। उनकी बस एक किताब जेन योगा जो मैंने पढ़ी है और एक किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग।
और ये दो किताबें अपने आप में कंप्लीट हैं। अगर आप ज़ेन योगा पढ़ते हैं तो आपको शायद स्पिरिचुअलिटी की और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि ज़ेन योगा आपको हर चीज़ समझा देती है। ज़ेन योगा आपको पतंजलि योग सूत्र भी समझा देती है और भगवद गीता का सार भी समझा देती है। लेकिन ये किताब पढ़ने में इतनी आसान नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको इसमें समझाया जाता है और पीजे सहर इसी प्रकार से आपको समझाते हैं। और जब आप इस किताब को समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो पीजे सहर की गाइडेंस आपको मिलेगी। हाँ, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गाइडेंस आपको मिलेगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस किताब को 2-3 बार पढ़ा है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लो हो गया इसके नॉलेज से। उसके बाद मैंने दोबारा पढ़ा, और जब मैंने दोबारा पढ़ा तो दोबारा मुझे और भी ज़्यादा इंसाइट्स मिली इस किताब से। फिर मैंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, प्रैक्टिसेस लगातार करता आ रहा हूँ, मेडिटेशन करता आ रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट मिली है इस किताब से मुझे, जो शायद और किसी किताब से नहीं मिली। बाकी सारे किताब से नॉलेज तो मिलती थी, लेकिन करना क्या है एग्जैक्टली, कैसे करना है, सोचना कैसे है, थॉट्स को कैसे देखना है, ये मुझे ज़ेन योगा से पता चला। और जब आप ज़ेन योगा पढ़ते हैं तो आपका माइंड एक ऐसे स्टेट में चला जाता है कि आपको फिर कृष्णमूर्ति भी समझ में आने लगते हैं, फिर ओशो भी समझ में आने लगते हैं। और ज़ेन योगा से भगवत गीता, अगर बहुत लोगों ने भगवत गीता को कई बार पढ़ा है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन ज़ेन योगा पढ़ने के बाद जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो भी क्लियरली समझ में आ रही है। तो इस प्रकार का प्रभाव ज़ेन योगा का है। ज़ेन योगा को अगर आप फॉलो करें तो आपको एनलाइटनमेंट ज़रूर मिलेगा, प्रोग्रेस तो ज़रूर होगी और बहुत ही फास्ट होगी। इस लाइफ टाइम में नहीं भी मिली तो अगले 1-2 लाइफ टाइम्स में तो ज़रूर आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, अगर आप ज़ेन योगा पढ़ें, न केवल पढ़ें उसे फॉलो भी करें। सबसे पहला गुरु नंबर 1 पे मैंने जिसे रखा है वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, या फिर भगवद गीता में जिसे कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा गया है, और ज़ेन योगा में जिसे हम आई सेंटर कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी काम जब आप करते हैं या शुरू करने जा रहे हैं या कोई थॉट आपके माइंड में आ रहा है तो उसके साथ साथ एक और थॉट आता है, वो ये आता है कि ये सही है या गलत, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपका माइंड आपको बताता है, ये जो थॉट आता है, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज़ आती है, आपको आपके कॉन्शियंस की जो आवाज़ आती है, ये ही आई सेंटर की आवाज़ है, और यही आपके अंदर का गुरु है जो आपको बताता है कि क्या करना है, कौन से थॉट को एंटरटेन करना है, कौन से थॉट को एंटरटेन नहीं करना है, ये आपका माइंड आपको बताता है, और आपके माइंड में ही ये है आई सेंटर। भगवद गीता में जब आप देखेंगे अर्जुन के रथ को तो 5 घोड़े हैं अर्जुन के रथ में, वो 5 जो घोड़े हैं वो डिनोट करते हैं 5 इंद्रियों को। अर्जुन जो है वो हमारा माइंड है, वो हमारा इमोशनल सेंटर है जो इधर उधर भटक रहा है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे आई सेंटर है, इंटेलिजेंस, जो कि उसके रथ के घोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो घोड़ों को कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको अपने इंटेलिजेंस, अपने कॉन्शियंस की बात सुननी होगी, ना कि आप खुद सारथी बन जाएं। तो सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को बनाइए, और फिर देखिए क्या कमाल होता है आपके लाइफ में। और इसके साथ साथ जब आप ज़ेन योगा पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी क्लैरिटी आएगी कि किस प्रकार से अपने दिमाग को चलाना है, किस प्रकार से आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में ज़ेन योगा तकलीफ़ हो रही है तो आप यहाँ पे जाके उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने पूरे ज़ेन योगा किताब को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया है, तो आपको शायद जब आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे ये पूरी सीरीज़, तो पढ़ते समय आपको शायद उतनी तकलीफ़ ना हो समझने में।